श्यामा जय श्री श्यामा राधा वल्लभ कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री जय जय श्री वृंदावन धाम जय श्री राधा वल्लभ लाल की ललित लाडली लाल की श्री वेंकटेश लाल की श्री हरिवंश चंद्र जू महाराज की श्री सेवक जू महाराज की श्री गुरु जी महाराज की समस्त ऋषिक मंडली की समस्त संत भक्तन की श्री वृंदावन धाम की श्री राधा नाम की जय जय श्री राधे। पत्रावलीं रचयितुं कुचयोः कपोले बद्धुं विचित्रकवरीं नवमल्लिकाभिरङ्गं च भूषयितुमाभरणैर्धृताश्रे श्रीराधिके मयि विधेहि कृपावलोकम्। त्रस्काचार्य श्रोमणी गोस्वामी श्री धर्मेश महाराज के रसग्रंथ श्री रसुधा निधि के इस 34वें श्लोक में 36वें श्लोक में पुनः पूर्व के कहे हुए श्लोकों में जिस भावना का संकेत है अथवा निरूपण है प्रकार भेद से इस श्लोक में वही बात कही जा रही है। इसमें सखी ने स्वामिनी के श्री अंग में और उन अंगों में जिनके ध्यान की भी बात पूर्व में निवेदित की श्रृंगारित करने श्रृंगार करने की बात अभिलाषा के रूप में श्री राधिके मई विधे ही कृपावलोक। हे श्री राधिके आप अपनी कृपा की एक दृष्टि मुझ पर डालिए। जिस पर दृष्टि पड़ जाती है वह कृपा से अभिषिक्त हो जाता है। ये दृष्टि कृपा की दृष्टि है। स्वामिनी की दृष्टि अन्य दृष्टियों से सर्वथा भिन्न है। दूसरी दृष्टियों में क्रोध भी हो सकता है काम भी हो सकता है लोभ भी हो सकता है और भी कुछ अच्छा हो सकता है बहुत सा अच्छा हो सकता है कुछ अच्छे से विपरीत भी होता है पर किशोरी की दृष्टि में सिवाय कृपा की और कुछ है ही नहीं। इसलिए कृपा दृष्टि उसकी संज्ञा बन गई है। श्री राधिके मई विधेहि कृपावलोकम। वो दृष्टि किस पर पड़ेगी ये निश्चित नहीं है। अभिलाषा हमारे भीतर हो प्रेम का रस का अधिकारी कौन यदि इस बात पर विचार किया जाए कि वस्तुतः प्रेम का अधिकार कैसे मिलता है रस का अधिकार कैसे मिलता है तो समस्त साधनों की ओर से तो चिर निराश कह दिया है। सर्वेश साधन वरेश चिरम निराशा। तो इसका अर्थ ये हो गया कि प्रेम अथवा रस साधनों का पर्याय किंबा फल नहीं है। किसी पुण्य का भी वह फल नहीं है किसी तप का भी नहीं हो सकता किसी योग का भी नहीं हो सकता
तप क्या है वो? वो केवल प्रेम दरी चीजों का सहज कृपा खुली जाए, प्रेम के झरोखे से वो कृपा की दृष्टि पड़ जाए। किस पर पड़ेगी? उस दृष्टि पर किसी का कोई अनुबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। जो सब पर अनुबंध रखता है, श्रुति जिसे कहती है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम अजगत, ये जड़ चेतन जिस पर उसका अनुशासन चलता है वह ईश सर्वोपरि है। अस्य इदं सर्वम ईशस्य वशः, ये जो कुछ भी है सब ईश्वर के वशीभूत है, और वह ईश्वर जिसके इंगित पर नाचता है। तो ऐसी स्थिति में जो ईश्वर पर भी अपने ईश्वरत्व को प्रभावित किए हुए है, अथवा जिसका अनुशासन ईश्वर पर भी है, भगवता पूज्यैव कापीशता। एक श्लोक में इसी में आगे बताया कि जिसकी ईशिता, जिसका ईशत्व, जिसका स्वामित्व इतना प्रबल है कि भगवान पर भी चलता है। भगवता जिसमें समग्र ऐश्वर्य है, समग्र ज्ञान है, वैराग्य है, बल है, वीर्य है, सौंदर्य है, ऐसा जो षडगुण ऐश्वर्यमय ईश्वर है जिसका सब पर अनुशासन चलता है, वह ईश्वर भी अनुशासित है जिसके द्वारा। किशोरी का परिचय दिया है वहां पर, प्रेम स्वन मधुरोज्वल हृदय श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधि भगवत पूज्यैव की कापीशता ईशानीच सची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधे वसेव्या मम। हम जिस सर्वोपरि स्वामिनी की दासत्वाकांक्षा रख रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें उसका दासत्व मिले, वह प्रेम का हृदय है, वो श्रृंगार लीला कला की विचित्र अवधि है, और इतनी बड़ी स्वामिनी है कि उसका स्वामित्व ईश पर भी चलता है, भगवान पर भी चलता है। वह ईशानी है, वह सची है, वह शक्ति है, वह स्वतंत्रा है और पराशक्ति है, परंतु वह कृपावशात वृंदावन नाथ की पट्ट महिषी भी होगी। वर श्रेष्ठ होता है नहीं, यहां पर स्वामिनी श्रेष्ठ है। वो वृंदावन की नाथ भी है। नाथ शब्द को उभय लिंग में स्वीकार करो, वो वृंदावन की एकमात्र स्वामिनी है, अथवा कोई वृंदावन का नाथ है, वृंदावनाधीश है, तो उसकी वो पट्ट महिषी है। उसकी अनंत महिषियों में शिरोमणि है, उनका नाम है राधा, और वही मेरी सेव्या है। तो ईश के ऊपर भी जिसका अनुशासन चलता है, इसलिए वो परा और स्वतंत्र शक्ति है। वृंदावन की नाथ है। सारांश ये कहने का वहीं पर आवे, जहां पत्रावलिम रचियतुम कुचियो कपोले बुद्धुम विचित्र कवरीम नव मल्लिका भी, बड़ी सुष्ठु सेवा की अभिलाषा कर रही है किशोरी की, सखी सखी अभिलाषा कर रही है। परंतु सब अभिलाषाएं करने के बाद भी यदि कृपा की दृष्टि नहीं पड़ती है तो सब कुछ ठीक है। योग जाप तप ज्ञान ध्यान तप कुछ भी साथ नहीं देता है, केवल कृपा की दृष्टि ही इस मार्ग का एक द्वार है। किस पर पड़ेगी वो कृपा? ये कुछ नहीं कहा, यही पराधीनता है। इसलिए महानुभाव ने एक गंभीरता का उपदेश देते कहा, किन पासा तस्त वृंदावन वो मधुरा कोटि जन्मांतर,
इस मीठी मीठी अभिलाषा को हृदय में संजोए हुए कोटि कोटि जन्मों के पश्चात भी पूर्ण होगी ऐसा विश्वास ऐसी आशा लिए हुए इस वृंदावन की रेण में हम पड़े रहेंगे। है यदि इतना साहस इतनी ललक इतनी बड़ी अभिलाषा ऐसी अनन्यता यहां टिक नहीं पाता है बहुधा कोई जिसको जल्दी से जल्दी सुखी होने निवृत्त होने की अभिलाषा है वो मोक्षाधिकारी इसका अधिकारी नहीं। ये तो चाहता है कि यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिर नारकेत परमे पदे थवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता हूं। हमारे कर्म हमें जहां ले जाए नरक में ले जाए स्वर्ग में ले जाए किसी कीट पतंग की योनि में ले जाए परम पद में ले जाए परंतु तहां तहां मैं यही चाहूंगा कि ये जुगल का मधुमय विलास श्री वृंदावन का निकुंज विलास किशोरी के ये चरणारविंद बस यही मेरे जीवन के ध्येय रहे यही गेय रहे यही उपास्य रहे यही चिंतनीय रहे यही वंदनीय रहे इससे अतिरिक्त सब कुछ समाप्त हो जाए पर यह सब कृपा से ही आश्रय है। लोग घबराते हैं इतना विलंब इतनी देर बर्दाश्त नहीं है जल्दी जल्दी हम सुख की अभिलाषा चाहते हमारा सुख पूर्ण हो जल्दी से आवागमन के चक्कर से हम मिटें और ये कहते हैं हम तो आवागमन को स्वीकार करें। अब यहां पर यदि बुद्धिमान श्रोता है चिंतक है तो वो तोले कि वस्तुतः भजनदार क्या है मोक्ष भजनदार है कि ये प्रेम रस भजनदार है। यदि बुद्धि तुम्हारी प्रखर है प्रवण है तो ये निर्णय कर पाएगी। इसलिए इन महानुभावों की समता कर सकना इनके लक्ष्य को समझ पाना बड़ा कठिन है। सामान्यतया लोग कहते हैं ये तो रोचक वाक्य हैं अद्वैतवादियों से बात करो तो तीन प्रकार के वाक्य बताते हैं सारे शास्त्र तीन विधाओं में बंधे हैं कुछ रोचक हैं कुछ भयानक हैं कुछ यथार्थ हैं। यथार्थ क्या है तो वो कहते हैं जो हमारी मान्यता है जो हमने निर्णय किया उसको यथार्थ मानो। यदि कहीं लोग धामादिकों की प्रेम की रस की भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध की गई है तो कहते हैं ये तो रोचक वाक्य है। अरे ये रोचक है तुम जो कहते हो वो रोचक नहीं है इसका क्या प्रमाण है कि तुम जो कहते हो यथार्थ है। दूर न जाए बात को रोचक और भयानक यथार्थ का निर्णय कर सकना बड़ा कठिन है। पुराणों में नरकादि का वर्णन है ये भयानक है ऐसा अद्वैतवादी लोग कहते हैं। क्यों भयानक है बोले भय दिखा करके जीव को परमार्थ के पथ में लाने के लिए नरकादि की कल्पना कर दी गई है। वस्तुतः नरक है कि नहीं है तो बहुत लोग इसका खंडन करते हैं और बहुत लोग इसका मुंडन करते हैं। भक्ति शास्त्रों में नरकादि लोगों का मंडन है तर्क ये है यदि कोई पृथ्वी नाम का लोक है जिसमें मानव नाम का जंतु निवास करता है और 84 लाख योनियों वाले यहां देखे जाते हैं प्रकृति का और पुरुष का विलास यहां दृष्टिगत होता है तो दूसरा कोई लोक ऊर्ध्व में अथवा अधो में नहीं होगा ऐसा कैसे कह सकते हो। प्रमाण तो यही है कि ये पृथ्वी लोक यदि है तो स्वर्ग भी है और यदि स्वर्ग है तो कोई नरक भी है। जैसा स्थूल रूप से ये है ऐसे ही वो है तब रोचक और भयानक यथार्थ की जो कल्पना है केवल बुद्धिवादियों की कल्पना है शास्त्र पर अविश्वास करने की बात है। नरक है सत्य है यदि सुखदेव जी झूठे नहीं है तो यदि भगवान वेदव्यास मिथ्यावादी नहीं है तो है? और उन्हीं ने ये तंत्र शास्त्रों में पुराणों में प्रिया प्रीतम के दिव्य लोक की बात कही है। ये तो देखो सूक्ष्म भी है स्थूल भी है
ये निराकार भी है साकार भी है। इसकी परिभाषा बहुत प्रकार से है और अंत में तो संत पुरुषों ने कहा कि वह मूर्ख है जो इसका लेखा जोखा हिसाब लगाना चाहता है। सीधी बात यह है कि गुरु के मार्ग पर चल पड़ो, वो जैसा बताते हैं उसको परम सत्य स्वीकार करके आगे बढ़ो। लोक लोकांतर कल्पना मिथ्या नहीं है, श्री वृंदावन धाम नित्य धाम है, वैकुंठ नित्य धाम है, साकेत नित्य धाम है, गोलोक नित्य धाम है। जिसका जहां जैसे अधिकार बना है उसके अनुसार वो वहां का अधिकारी बनता है। प्रस्तुत प्रसंग में हम श्री वृंदावन की बात कह रहे हैं और वृंदावन में भी जो जुगल रूप में निधि है, उस जुगल रूप निधि में भी जो सर्वोपरि निधि है और उसकी दासिका, उसकी सेविका, सहचरी दासी चेटिका उनके श्रीअंगों के श्रृंगार की अभिलाषा करती है। लोग कहेंगे ये भक्त भावुकों की भावना है, कहेंगे भावना भी है पर यथार्थ भी है। मूल बात से सोचो, ये जो कुछ भी दृश्यमान है और जो अदृश्य है वह प्रकृति और पुरुष का विलास है। मूल तो पुरुष है और उसके साथ उसकी प्रकृति अभिन्न रूप से है। कुछ लोग शक्तिमान की सत्ता को अधिक स्वीकार करते हैं और शक्ति को नकार देते हैं। शंकराचार्य पाद ने अपने शारीरिक भाष्य में ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया, शक्ति का नाम भी नहीं लिया। शक्ति का प्रकार भेद से जब अस्तित्व ही स्वीकार नहीं किया तो खंडन हो गया। एक दिन की बात है कि वो उनको पेचिश की बीमारी हो गई, काशीपुरी से बाहर जाकर के वो बारंबार शौच, पेट में ऐंठन, अशक्त हो गए। अब तो गुदा प्रक्षालन की भी शक्ति नहीं रही है। औषधि का अनुसंधान करने लगे, कहीं औषधि मिल जाए। पेचिस की सबसे बड़ी औषधि दही है, दही। पेचिस का भयंकर रोगी दही का सेवन कर पेचिस लापता हो जाएगी। पड़े थे मार्ग के किनारे, एक दही बेचने वाली ग्वालिन निकली, लड़खड़ाते स्वरों में उन्होंने कहा तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास दही है, मुझे भी थोड़ा दे दोगी? बोले उठो ले। दे नहीं आई थी, वो तो समझाने आई थी उनको, उठो खड़े हो ले, मुझ में शक्ति नहीं है। बोले तुम तो शक्ति का जीवन भर खंडन करते रहे हो, अब स्वीकार करो शक्ति की सत्ता को। टपटप आंसू निकल पड़े उनकी आंखों से, वो साक्षात शक्ति ही थी। हैं? तुमने ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया, शक्ति की सत्ता को अस्वीकार किया, उसका नाम भी नहीं लिया, पर आज ब्रह्म कुछ भी नहीं है, स्थूल है, स्थूण है, यदि शक्ति नहीं है तो ये जुगल का विलास है। प्रारंभिक स्थिति उसकी है एको हम बहुत श्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। जो बहुत श्याम की अभिलाषा है ना, यही तो शक्ति है। मैं एक हूं, एको हम, मैं एक हूं, परंतु एक के साथ ही दो भी हूं। बहुत श्याम मैं दो से बहुत हो जाऊं, एक से बहुत हो जाऊं। श्रुति तो अपने भीतर बहुत गंभीर अर्थों को लिए रहती है। ये तब नाना नाम रूप में हो गया। आज क्रमशः उसका जो विकास प्रकाश होते हुए स्थूल पंचभूत में जगत की सृष्टि हुई, हम इस पंचभूत में जड़ को तो देखते हैं पर उसके अंतर्निहित जो शक्ति है और जो शक्तिमान है, ब्रह्म है, उसको हम नहीं देख पाते हैं। पर देखने वाले देखते हैं, घबराते हैं हम। ये प्रकृति पुरुष का विलास, प्रिया प्रीतम मूर्तिमान होकर के जो विलास प्रकट कर रहा है, घबरा करके भाई भाई उपासना से हम दूर जा रहे हैं, उपासना नहीं हो रही। अरे ये उपासना का तो मूल है। एक किसी संत ने कहा है, को कहे माया ब्रह्म दो को, प्रकृति पुरुष कर माने, वेदन की ये बात बड़ी हम कहा गमार जाने, गोरी सी विश्वभानु लली, सुंदर श्याम सांवरे सजनी जोरी मिली भली,
को कह माया ब्रह्म दो को प्रकृति पुरुष कर माने, वेदन की ये बात बड़ी हम कहा गमारन जाने। हम तो ये जानते हैं कि इनको रूप विमल विधुआली उतवे उदधि अगाध, और इनकी प्रीत रीति जो जाने सोई साचो साध। हैं अपने तो जीवन धन यही ए तो मतो विचारे, इनकी रूप छटा पे छक छक कहा न इन परवार है। ये कोई प्रकृति पुरुष कहता है, कोई माया और ब्रह्म कहता है, कोई प्रिया और प्रीतम कहता है। हाँ? तात्पर्य कहने का कि यह जो प्रकृति का और पुरुष का मूर्तिमान विलास है वो श्री वृंदावन में है। इसमें तब विलास की लीलाएं जिस रूप से प्रकट होती हैं उनको सहन कर सकने की हृदय में शक्ति हमारे भीतर नहीं है, क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है। हमारे एक मित्र थे, बाल्यावस्था की बात, जब हम विद्यार्थी जीवन में थे तो रस तो उनको भी था, जयदेव का गीत गोविंद सुनने की बड़ी अभिलाषा करते थे, तो जहां दशावतार का वर्णन किया है उसको सुन के तो झूमने लगते थे। एक दिन बोले कि जयदेव जी ने अपनी 24 अष्टपदियों में प्रखरतम श्रृंगार का जहां वर्णन किया हो सुनाने का कष्ट कीजिए, तो हम पोथी लेके बैठ गए। और वही प्रसंग आया जो इसमें है, पत्रावली मृची तुम कुछ यो कपोले। यहां तो सखी अभिलाषा कर रही है कि हे किशोरी, आपके कपोलों पर, आपके बक्षस्थल पर मैं पत्रावली की रचना करूं, ऐसी कृपा कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, सेवा का अधिकार दीजिए। गीत गोविंद की अष्टपदी में स्वयं किशोरी जी कृपा पूर्वक आज प्रियतम को आदेश दे रही हैं, संकेत नहीं दे रही हैं, निर्देश नहीं दे रही हैं, आदेश दे रही हैं। आसमंतात आज आज्ञा दे रही हैं कि तुम ये करो। वहां जयदेव कवि लिखते हैं, कुरु यदु नंदन चंदन शिशिर करेण तरेण पयोधरे मृग मद पत्र कमत्र मनोभव मंगल कलश सहोदरे निज गाद सा यदु नंदने कीरति हृदयानंदने। किशोरी कहते हैं कि आज मेरे हृदय में आनंद का एक अपूर्व उल्लास प्रकट हुआ है, प्रियतम मैं तुमको आदेश करती हूं, ये शीतल चंदन के द्वारा आज मेरे बक्षोजों पर आप चित्र विचित्र पत्रावलियों की रचना कीजिए। सुनना था कि वो हमारे मित्र कांपने लगे, और कांप कांप करके वो एकदम झरझर उनके आंसू रोमांच बंद कर दीजिए इस प्रकार विगलित स्वरों में वो अन्य विनय करने लगे, हमने बंद कर दिया। बड़ी देर में शांत हुए, कल लगे सहन नहीं होता है। ये जो श्रृंगार की अपूर्व योजना है, प्रिया प्रीतम की परस्पर की जो ये श्रृंगार लीला है, आगे क्या वर्णन होगा। बोले प्रथम पंक्ति में मेरे जी खबड़ा, मेरा देहात्म भाव मुझसे नहीं जाता है। फिर 5-7 महीने के बाद उन्होंने साहस बटोरा और फिर उन्होंने वही बात कही, तो हमने दूसरी अष्टपदी सुनाई, तब भी उनकी वही दशा हुई। ऐसा जब 5-4 बार हो लिया, हम वृंदावन आ चुके उसके बाद, तो स्वामी जी महाराज के समीप हमने ये प्रश्न रखा। हमने कहा महाराज जी, ये हमारे रामचरण लाल जी मित्र हैं, आपकी सेवा में हैं, हम भी हैं, ये अष्टपदी सुनने की इच्छा करते हैं, हम साहस बटोर करके वर्णन करने का प्रयास करते हैं, तो ये 1-2 पंक्ति सुन करके एकदम कांपने लगते हैं, रोने लगते हैं, मूर्छित हो जाते हैं और चरणों में विनय करने लगते हैं, बंद करो बंद करो बंद करो। तो हेतु क्या है ये?
तो स्वामी जी हंसे, अरे भाई तुम तो जो अभी खड़ा होना सीख रहा है उसको तुम धावमान करते हो, उसको दौड़ाते हो, वो लड़खड़ा के जो गिर रहा है उसको दौड़ना कैसे आ जाएगा। हनुमान जी हम समझे नहीं, अलंकारिक भाषा है आपकी। कहने लगे ये बेचारा शांत दास सख्य भाव का भक्त था पूर्व जन्म में, अब इस जन्म में वृंदावन का संयोग प्राप्त करके इसके मन में प्रिया प्रीतम की प्रेम लीलाओं को सुनने जानने समझने की इच्छा हुई है, पर इस रस को धारण करने के लिए तो जन्म जन्म की साधना ही साधना, भले इसकी पृष्ठभूमि में ना हो परंतु पात्रता के लिए तो आवश्यक है ही। ब्रह्मा जी पर हम अनधिकार करते हैं तो जो न कहने की बात कहना ही पड़ेगा, प्रसंग आगे इसलिए कह देता, बोले कि तुम्हारा तो पांच जन्म का अधिकार है, तुम्हारा इस देश में पांच विगत जन्मों का अधिकार है, इसलिए तुमको इसमें अभिरुचि है और इस बेचारे का विगत जन्म का भी अधिकार नहीं है, ये दास्य और सख्य भाव प्रधान था। तो ये तो जन्म जन्म की साधना कह दो अथवा कृपा से इसका अधिकार बनता है। वस्तुतः यह बात वही है जो श्रुतियों ने कही है कि यह प्रकृति और पुरुष का विलास है। देखो एक बात और, आप कहेंगे कि श्लोक तो छोड़ दिया, इधर उधर की गप मार रहे हैं। एक बात और है, लोक में श्रृंगारस प्रथम है और पश्चात में अनरस, पांच भाव है ना, मूल प्रथम श्रृंगार है, फिर उससे नीचे उतरो तो वात्सल्य है, उससे नीचे उतरो तो सख्य है, उससे नीचे उतरिए तो दास्य है और दास्य से शांत है। हम जब परमार्थ पथ पर चलते हैं तो लोक की ओर से दूर होकर के विरागी होकर के उसका चिंतन छोड़ करके उसका व्यवहार छोड़ करके पहले शांत भाव में स्थित होते हैं, है? इंद्रियों का चिंतन सही होना चाहिए, मन का चिंतन सही होना चाहिए, इंद्रियों को संयत करो, मन को संयत करो, शांत भाव में स्थिर हो जाओ। हाँ, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा दुंदर विमुक्ति सुख दुख संगेर गच्छंत मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। तो उस अव्यय पद की प्राप्ति के लिए हमको परमार्थ के पथ में शांत भाव की धारणा पहले लेनी पड़ती है। जब ईश्वर ब्रह्म के संबंध में हमारा जिज्ञासा भाव पूर्ण हो जाता है तब उसकी ओर दासत्व की कल्पना होती है, हम उसके दास हो जाए, हमको प्रभु अपना दास स्वीकार कर लो। और जब दासत्व की भावना दृढ़ हो जाती है, घनीभूत हो जाती है, सांद्र हो जाती है, तब सूझता है कि उससे हमारी मैत्री हो जाए, और हो जाती है। सूरदास लड़ाई लड़ता है ना कि अज हूं एक एक कटरी हो, कह हम ही कह तुम ही माधो अपन भरोसे लड़ी हो, आज मैं तुमसे लड़ाई लड़ूंगा, हो तो पतित सात पीढ़ी को पतित है निस्तरी हो, अब हो उघर नचन चाहत हो तुम्हें विरुद्ध बिन करी हो, आज तुम्हारा सारा बड़प्पन खो के धर दूंगा। तुलसीदास का दास्य भाव प्रसिद्ध है, वो भी तुलसीदास कहते हैं बड़ी बात, दास तुलसी प्रभु नाम पाप न जारे हो, मेरी अध्यात्म स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया, अब मैं तो राम का पुतला बांधूंगा, बांस में घास फूस का एक पुतला बनाए करके उसकी खिल्ली उड़ाऊंगा गली गली, कोई पूछेंगे ये कौन है, कहेंगे यही भगवान राम है। इनकी खिल्ली क्यों उड़ा रहे हो, इसलिए कि ये इतने बड़े हैं और मैं जहां कहता हूं, सेवक तुलसीदास सीतानाथ राम है, यानी ये सख्यत्व आ गया, दासत्व भाव से उठकर के सख्यत्व आ गया। तो लोक में नहीं, परमार्थ के राज्य में सख्यत्व को पूर्ण करने के पश्चात वात्सल्य आ जाता है, तब सुखता आ जाती है। सख्य में स्वसुखता का अधिक भाव है, तत्सुखता कभी कभी आती है, जो उत्तम सखा है उनमें आती है तत्सुखता। ब्रज की सखा है जो कन्हैया को प्रसन्न रखने के लिए नाचते हैं, कूदते हैं, मयूर बनते हैं, बिच्छू की तरह चलते हैं, कुश्ती खेलते हैं,
बंदरों की भांति एक वृक्ष से दूसरे पर, और जो कन्हैया चाहता सो करते हैं, वो चाहे कि तो रो तो रोने लगते हैं, वो चाहे कि गाओ तो गाने लगते हैं। पर उद्धव को देखो, अर्जुन को देखो, विभीषण को देखो, जान भगवान को देखो, ये सब सखा है पर ये सब स्वार्थ रत है, ये तो कहते अच्छा नहीं लगता है, परंतु इनके सुख स्वार्थ का अंश अधिक है इनमें, तत्सुखिता का भाव इनमें कम है। और वात्सल्य जब आता है तो माता तो वात्सल्य की मूर्ति ही है, तो लोक में इससे विपरीत होता है। पश्चात में अध्यात्म श्रृंगार है, यार इसको तभी अधिकारी कृपा करें श्री राधा प्यारी, श्रृंगार रस गोपियों का है। इसलिए महानुभावों ने कहा, नवधालो सब भक्ति उबीठी रति भागवत कथा की, रहन कहन सब हिंते न्यारी व्यास अनन्य सभा की। भक्ति का जितना भी कोर्स है, जितना भी पठितव्य विषय है, ध्यातव्य है, वो सब का सब नौ भागों में विभाजित है। भक्ति कहां पूर्ण हो जाती है, जहां प्रभु के चरणों में समर्पण हो गया। तुदीयम वस्तु गोविंदो तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सुमुखो भूत्वा, आप इसे स्वीकार कर ले, मैं आपकी वस्तु आपको समर्पित कर रहा हूं।